तो हेलो गाइस, टुडे हम कमेंटेनिंग वीडियो। तो ये देखिए, लट्टी और ड्राई फिश से बनाया गया है। ये देखिए लट्टी और ये देखिए काटर का बीच, मतलब जैकफ्रूट का बीच। और ये जो लट्टी है हमने अपने गार्डन में नहीं बोल सकते, सबने अपने घर से फ्रेश फ्रेश उठा के इस पर लाए। कुछ का जो पेड़ होता है उससे तो ये देखिए अभी थोड़ा स्टीम बना दिया गया है। तो लहसुन, मिर्ची, प्याज यहाँ पर है, मतलब एक साथ में प्याज अलग है। तो इधर ड्राई फिश था और इधर ये प्याज डाला जाएगा। अभी प्याज को हमने अच्छे से धोड़िए, और प्याज ना धोने से अच्छा नहीं लगता, वरना आप लोग बहुत ये देखिए प्याज डाला गया है। इसके बाद डाला जाएगा कटहल का बीज, और साथ में कटहल का बीज और साथ में क्या डाला जाएगा आप लोग देख सकते हैं। कंटिन्यू है कितना करिए, मैंने आपको समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए लट्टी, देखिए हम बेंगलुरु में बोलते हैं, हिंदी में मुझे लट्टी की है। तो कटहल का बीज, मतलब जैकफ्रूट का बीज डाला गया है इसमें, और इनको अच्छे से फ्राई करा जाएगा। डीप फ्राई नहीं, नॉर्मल जो हम फ्राई करते हैं पटेटो, जो भी आलू को फिर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये देखिए लहसुन और ये मिर्ची, कटर मिर्ची है, सूखा मिर्ची नहीं है, वरना टेस्ट ही आएगा उसका। टेस्ट कटर मिर्ची डाला है तो ये बहुत टेस्ट हुआ था, तो बहुत टेस्ट है। तो ये देखिए टेबल नहीं रहता, तो इस तरह से मैंने कहे। तो ये देखिए मम्मी का ऊनी पक गया था, क्योंकि तो क्योंकि हमने मम्मी ने कुछ काम करा था, इतनी उन्नी से ऊँगी चल गई थी, तो इसे ऐसा हुआ है। पता नहीं मम्मी ने रीज़न मुझे बताया था, बट मैं भूल गई हूँ। दो तीन चार हल्दी, साथ में नमक डाला जाएगा। नमक डाल देते हैं तो इधर ड्राई फ्रूट को ऐसे अच्छे से धो के उसके बाद ड्राई फिश को डाल दिया जाएगा। आई थिंक सो तो ये देखिए ड्राई फिश को धो लिया जा रहा है। फिर मेरा गरम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसे फिर ये ड्राई फिश है। तो इधर ये देखिए फ्राई हो गया है। अभी इसमें आई थिंक सो ड्राई फिश दिया जाएगा। ड्राई फिश दिया जाएगा इसमें। तो इधर ड्राई फ्रूट दिया गया है इसमें, और अच्छे से मिक्स कर दिया जा रहा है।
इधर इसमें पानी डाला जा रहा है ताकि बॉईल हो जाए ये। तो इधर नींबू डाला जा रहा है। थोड़ा रेड चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च का पाउडर इसको ढक दिया गया है। ढक्कन हटाने के बाद कुछ ऐसा ही निकल कुछ ऐसा हुआ है। बंगाल बोल तो अभी ये देखिए इसमें डाल दिया गया है। तो ये बहुत यम्मी और टेस्टी रेसिपी है, एक बार ट्राई करके देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए बहुत अच्छा रेसिपी है, ट्राई करके देखना।